ये क्या है एक्टिविटी? टेक अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन द वाटर. रस्ट लो, उसको क्या करो, पानी के अंदर डिजॉल्व कर दो, ठीक है. टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है. इसको क्या करना है आपको, रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ उसको टेस्ट करना है, ठीक है. और बताती हूँ, जैसे कि अगर ये रेड को ब्लू में करेगा तो, मतलब रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, तो ये क्या होगा, ये होगा बेसिक इन नेचर. और अगर ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा तो ये होगा एसिड इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, ठीक है. तो अभी अपन देखते हैं कि ये बेसिक है या फिर एसिडिक क्या. तो वैसे रस्ट क्या है, एक मेटल है, और मेटल्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर. मतलब ये क्या करेंगे, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. रस्ट इज अ मेटल, रस्ट इज अ मेटल एंड मेटल्स आर बेसिक, बेसिक इन नेचर. मतलब मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. जैसे बेसिक इन नेचर होंगे तो ये क्या करेंगे, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है. अब अपन नेक्स्ट चलते हैं कॉपर रिएक्शन पे. अब यहाँ पे ये जो ब्लू या ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये कॉपर है. पहले कॉपर की, पहले जो ये भी जो भी है, ये पहले जब आया था ना, न्यू था ना, तभी ऐसा था, ठीक है. उसके बाद इसने भी रिएक्ट करा, किसके साथ करा, इसने भी सेम कंपाउंड के साथ करा. मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो भी कंपाउंड थे, उस इसने भी उनके साथ ही रिएक्ट करा है. इसमें इसने रिएक्ट करा, वो अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है. व्हेन अ कॉपर वेसल एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग. ये डल और ग्रीनिश कलर की कोटिंग आई है ना, ये क्या है, ये कॉपर वेसल है. कॉपर जनरली रिएक्ट करता है, ये है वाटर, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है ऑक्सीजन. तो ये इन तीनों से रिएक्ट करता है. और ये तीनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है. या कह दो ये मॉइस्ट एयर है, ठीक है. ये एक तो ये एटमॉस्फेयर में, कह लो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, अकेले इनको ये मॉइस्ट एयर होते हैं, ठीक है. इन तीनों का मिक्सचर और कॉपर खुद जब रिएक्ट करेगा इन तीनों को मिला के, तो क्या बन जाएगा, Cu(OH)+CuCO3, विच इज़ कॉपर कार्बोनेट, ठीक है. ये इनसे बनता है. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन द एश इज ऑब्टेन. मैंने बताया था अपन एक एक्टिविटी करेंगे रस्ट के साथ, सॉरी ऐश के साथ. ये रहा ऐश ऑब्टेन हो गया. तो अब क्या करेंगे, इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे अपन, इसको वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, फिर इसको टेस्ट करेंगे ब्लू और रेड लिटमस पेपर से. अगर इसने रेड को ब्लू में कर दिया तो ये बेसिक है, अगर इसने ब्लू को रेड में कर दिया तो ये एसिड है. तो अपन ने टेस्ट किया, तो इसने क्या करा, इसने किया रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया. मतलब कि क्या है, ये बेसिक है. फिर है ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर. मेटालिक ऑक्साइड इज अ बेसिक इन नेचर, इज बेसिक इन नेचर, ठीक है. ये अपन ने कॉपर रिएक्शन पढ़ा. कॉपर रिएक्ट किसके साथ किया, इसने ऑक्सीजन के साथ ही. अब नेक्स्ट चलते हैं अपन our next topic is sulfur and oxygen combines to give sulfur dioxide gas. और ये सारे जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, ये सारी गैसेज होती है मोस्टली. जैसे ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस है, ठीक है. अब अपन बात करते हैं सल्फर की. सल्फर का केमिकल इक्वेशन होती है S प्लस, अपन को क्या करना है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन करेंगे, वो मिलके अपन को क्या देगा, SO2, विच इज़ द केमिकल इक्वेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है. तो अब अपन बात करते हैं, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर इट मेक्स सल्फ्यूरिक एसिड. जब अपन इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा अपन को, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है. अब इसमें एसिड बता ही दिया तो ये क्या करेगा, ये करेगा ब्लू को रेड में चेंज, है ना.
इसकी अपन केमिकल इक्वेशन देखते हैं, यह सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2 प्लस H2O कम्बाइंस टू गिव, व्हाट इट गिव्स H2SO3। ओके, अब इसने बता ही दिया कि ये एसिडिक है इसमें नेचर इसका, तो ये क्या करेगा, मैंने बताया था ये करेगा ब्लू को रेड में टर्न। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, मतलब जिन जिन मेटल्स के पीछे ऑक्साइड आता है, मतलब ये डाइऑक्साइड आ रहा है इसमें, मतलब ऑक्साइड तो आ ही रहा है ना, तो ये क्या होगी, नॉन मेटल्स की बात हो रही है कि ये क्या होगी, ये होंगे एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये अपन ने कर लिया है सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इसमें आपको क्या लेना है, इसमें टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडरी सल्फेट इन अ डिफिब्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। मैंने आपको बताया था उसका क्या फॉर्मूला होता है, मतलब या फिर कह लो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, S+O2 gives us SO2। ओके, एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ग्लास जार। ओके, मतलब जैसे ये वो हीट कर रहे हैं, अपन हीट किया इसको, भारी करेंगे, सॉरी टम्बलर के अंदर नहीं करेंगे, अपन बाहर कर लिया, हीट कर लिया, हीट के बाद उसको अपन टम्बलर में डाल देंगे और टम्बलर को पैक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही स्मोक बननी स्टार्ट हो जाती है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डिजॉल्व करना है, जिससे अपन टेस्ट कर पाएंगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक इन नेचर है। ठीक है, शेक द टम्बलर वेल, यहाँ पर शेक द टम्बलर वेल, चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, एज सल्फर एसिड इज एसिडिक एंड एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड लिटमस पेपर। मैंने बताया था इसमें एसिड सीधे ही बता दिया कि ये सल्फ्यूरस एसिड था, सल्फ्यूरस एसिड कैसे बना, सल्फ्यूरस एसिड बना सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर को कंबाइन होके क्या बन गया, सल्फ्यूरस एसिड। तो इसमें एसिड तो दिखाई दिया, बता ही दिया कि ये जो फॉर्मूला है ये एसिडिक इन नेचर है और ये क्या करेगा, ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन रिएक्शन विद वाटर, इंटरेस्टिंग है ये भी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन, सोडियम केरोसिन में क्यों स्टोर होता है, वाटर में क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि ये वाटर के साथ एकदम विग्रेसली रिएक्ट कर देता है। जैसे इधर ये देखो, इसमें मैंने पीस ऑफ सोडियम डाला और पानी था इसमें, बाउल में पानी था और मैंने पीस ऑफ सोडियम डाल दिया इसमें, तो इसने क्या करा, आफ्टर अ वाइल, आफ्टर 3-4 seconds इट्स कैच विग्रेसली द फायर कम। तो ये क्या होता है, ये विग्रेसली वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो इसलिए सोडियम को कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। एज आयरन, आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली, धीरे धीरे आयरन रिएक्ट करता है, बट रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बट स्लोली इट रिएक्ट। सो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, मतलब सोडियम और आयरन ये दोनों क्या है, ये मेटल है, नॉन मेटल ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन कहाँ रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, अगर रिएक्ट कर देती तो भाई झटके लग जाते अपन को, है ना, इसलिए ये नहीं करती है। फॉस्फरस की बात करते हैं, फॉस्फरस एक नॉन मेटल है, और अभी अपन ने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा था कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, फॉस्फरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स, अभी अपन ने बताया था मैंने कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, तो फॉस्फरस को आप इसमें वाटर में स्टोर कर सकते हो क्योंकि ये नॉन मेटल और नॉन मेटल तो रिएक्ट करते ही नहीं है। इट स्टोर्स इन वाटर, मीन्स फॉस्फरस स्टोर्स इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं एक्टिविटी पे, टेक अ बीकर फिल्ड विद वाटर, पुट सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन
इनटू दी बीकर आफ्टर इट, मतलब जैसे ये हीट वीट सब कुछ हो गया, जब ये हीट होना इसका बंद हो गया तब क्या करना, टच करना उसको, बीकर क्या होगा एकदम गरम गरम हो जाएगा। अब क्या करना, सारे सॉल्यूशन को, सारे ही जैसे केमिकल में जितने भी आप एक्टिविटी करोगे उसमें वाटर ऐड करोगे और करोगे तो उसमें आपको सबको सॉल्यूशन को टेस्ट करना ही होगा। तो इसको भी टेस्ट करते, टेस्ट दी सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है, मेटल क्या करेगा, वैसे मेटल्स होते क्या, मेटल्स होते हैं बेसिक इन नेचर, तो ये करेगा रेड लिटमस को ब्लू में। और सोडियम का जो सोडियम का जो फॉर्मूला होता है या फिर कह लो केमिकल इक्वेशन, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो होता है Na, ठीक है। तो सोडियम तो मैंने बताया था कि ये बेसिक होगा, मतलब ये करेगा रेड को ब्लू में कन्वर्ट, है ना, क्योंकि बेसिक तो यही करता है, ये हो गया। और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, NaOH इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये एक्टिविटी भी अपन ने कर ली। अब अपन चलते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। अब एसिड है, एसिड सिर्फ रिएक्ट मेटल्स के साथ ही करते हैं, नॉन मेटल्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, मतलब ओनली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स बट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है। ये दो लाइन मैंने बताई दी है बट फिर भी पढ़ते हैं अपन। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, मतलब मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ और ये क्या करता है, ये अपन को पता चल जाता है अगर मेटल रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और वो जब वो बर्न हो जाती है तब वो एक पॉप साउंड रिलीज करती है, फिर पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें, ठीक है। इस पॉप साउंड से पता चल जाता है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, या फिर ये भी कह सकते पॉप साउंड है तो आपको पता चल गया कि इसमें हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला होता है ZnH2SO4 विल मेक ZnSO4 एंड H2, H2 गैस होती है रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि अब ZN है, ZN क्या एक मेटल है, तो इसने हाइड्रोजन को हटा के खुद की जगह बना ली यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया यहाँ पे ZnSO4 और H2 गैस रिलीज हो गई है। इसकी एक एक्टिविटी है, टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सेपरेट द टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम एज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा। ओके, टेक द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर एंड ऐड 6 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स टू द सच टू द ईच ट्यूब। ओके, वन बाय वन आप लो, आप टेस्ट ट्यूब्स लो, उनको लेबल कर दो 1 से जितनी भी आपको लेनी उतनी, ठीक है। फिर उसमें क्या करो, एक ड्रॉपर की हेल्प लो, ड्रॉपर से उसमें 6 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो सब में, फिर उसको ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्व करने पे क्या होगा, जो मेटल्स होंगे वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, मतलब वो पॉप साउंड रिलीज करेंगे। तो ये दो तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये दोनों क्या, ये दोनों मेटल है तो ये तो ज़रूर रिएक्ट करेंगे, है ना। बट जो ये दो नॉन मेटल्स हैं ये दोनों रिएक्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है। चारकोल, चारकोल क्या है, चारकोल एक फॉर्म है कार्बन की, है ना। कार्बन क्या होता है, कार्बन एक नॉन मेटल है, जैसे अपन ने ग्रेफाइट की बात करी थी। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट किसका फॉर्म होता है, कार्बन का फॉर्म होता है। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है ना। वैसे ही चारकोल के लिए तो चारकोल एक कार्बन का फॉर्म है और कार्बन एक नॉन मेटल है, और सल्फर, सल्फर तो एक नॉन मेटल है क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट या फिर रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी समरी बताती हूँ। जैसे कि आपकी स्कूल में
अगर कोई टीचर एब्सेंट हो जाती है तो उस टीचर को रिप्लेस या फिर कह लो डिस्प्लेस करने के लिए एक दूसरी टीचर आती है। ठीक है, ये तो था स्कूल का। अब मेटल्स में भी ये सेम ही होता है। एक मेटल अगर कोई भी मेटल कह लो वो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है या फिर कह दो जो लो है, लो रिएक्टिव मेटल है, वो क्या होगा, वो एक हाई रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। जैसे अपन बात करते हैं जिंक की, तो अपन जिंक लेते हैं, जिंक लिया और यहाँ पर कॉपर सल्फेट था। कॉपर और आयरन कम रिएक्टिव है या फिर कह लो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जिंक से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जिंक और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ कॉपर को हटा देगा और यहाँ पर जिंक आ जाएगा। वो क्या बन जाएगा, वो जिंक सल्फेट बन जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब जैसे अपन इसको पढ़ते हैं, मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कंपाउंड जैसे कि जो मेटल सबसे ज़्यादा कह लो पावर हो, जिसमें जैसे अपन बात करते हैं अपनी स्कूल की, जैसे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के पास जो पावर्स है, मतलब टीचर्स ना, टीचर्स के पास वो पावर होगी और ना ही वो स्टूडेंट्स के पास पावर होगी। ठीक है, और अपन प्रिंसिपल को मानते हैं मेटल। अब मेटल मानते हैं अपन, उस मेटल को देते हैं अपन जिंक नाम। ठीक है, टीचर्स और इनको देते हैं जिंक सल्फेट और सॉरी कॉपर सल्फेट, और एक को कोई भी नाम दे दो, हट एक मतलब कि स्टूडेंट्स को एक बार हटा दो। अपन प्रिंसिपल और टीचर की बात करते हैं, तो मतलब जो जिंक है और ये जो कॉपर सल्फेट है वो क्या होगा, जिंक क्या करेगा, जिंक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल किसी को भी हटा सकता है, तो जिंक क्या करेगा, जिंक कॉपर को हटा लेगा और खुद आ जाएगा कॉपर की जगह। तो वैसे ही इस एग्जांपल को लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर के, कॉपर क्रिस्टल्स आपने अगर देखे होंगे तो वो ब्लू कलर के होते हैं लेबोरेटरीज में, और जिंक क्या होता है, जिंक कलरलेस होता है। तो मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल क्या करेगा, टीचर को हटा देगा, यहाँ पर प्रिंसिपल लग जाएगा। ठीक है, ये तो छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल बताया जिससे आप समझ सको कि डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट क्या होता है। तो अब सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर। ये क्या होता है, ये वैसे कॉपर जो सिर्फ अपन कॉपर की बात करें, इसकी बात करें तो ये रेड इन कलर होता है, और अगर कॉपर सल्फेट की बात करें तो ये होता है ब्लू इन कलर, और जिंक कलरलेस होता है। जब जिंक सल्फेट बनता है तो ये क्या होता है, ये अपना कलर खो देता है, मतलब जिंक सल्फेट कलरलेस बन जाता है और ये रेड इन कलर हो जाता है, अकेला ही होता है। सो अपन इधर होता है कि कॉपर इज़ नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता, क्योंकि जिंक जो मोर पावरफुल है कॉपर से। ठीक है, जिंक इज मोर पावरफुल देन कॉपर और मोर रिएक्टिव देन कॉपर कह लो। ठीक है, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। सो सिंपल सी बात है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा, है ना। तो ये था डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट के बारे में। अब अपन चलते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। जैसे मेटल्स यूज़ होते हैं ट्रेन्स में, एरोप्लेन्स में, कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में, मशीनरी में, और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे मेटल यूज़ होते हैं। ठीक है, ब्रिजेस बनाने में। जिंक इज़ यूज एज प्रोटेक्टर ऑफ आयरन फ्रॉम रस्ट। ठीक है, मतलब जिंक जो है वो क्या है, एक प्रोटेक्टर है या फिर कह लो एक सिपाही है। जैसे राजा के आगे क्या होता है, सिपाही होता है जब युद्ध में जाते हैं। ठीक है, वैसे ही जिंक एक सिपाही है और आयरन एक राजा है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जो रस्ट होगी वो जिंक मतलब वो उसके आयरन के ऊपर कोट नहीं कर पाएगी जब अपन जिंक सल्फेट जिंक को लगाएंगे आयरन पे। फिर अपन बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर आपको पता है गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरीज बनती है, वो ज्वेलरीज में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स यूज़ होते हैं फर्टिलाइज़र में, जैसे एनपीके है। एनपीके में जो पी है वो क्या है, पी एक नॉन मेटल है, मतलब फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है ना, नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है,
ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या हेल्प कर रहा है, नॉन मेटल हेल्प कर रहे हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज में, है ना। नॉन मेटल्स आर यूज फॉर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, सॉरी नॉन मेटल्स आर यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन। जैसे आपने सुना होगा क्लोरीन डाला जाता है पानी के अंदर, और उससे क्या होता है जर्म्स और जो भी डिजीजेस होती है या फिर कह लो जो भी जर्म्स होते हैं उसमें वो मारे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्रैकर्स में, क्रैकर्स में डलता है फॉस्फरस। फॉस्फरस क्या है, फॉस्फरस एक नॉन मेटल है। तो ये थे यूजेस ऑफ मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी। अगर आपसे बोलूं कि आपको यूजेस ऑफ मेटल और नॉन मेटल लिखना है तो आप उसको बता पाएंगे, है ना। तो चलते हैं अब अपनी एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है या फिर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको आप ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। अब ये पेन है, इस पेन को मैं दो में टुकड़े कर सकती हूँ और भी कर लूँगी, बट एक ऐसा स्टेप आएगा, एक लास्ट पॉइंट आएगा जिसमें इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे जिसके और टुकड़े मैं नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। वो होते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेज। जैसे अपन लेते हैं आयरन की बात, आयरन क्या है, आयरन को आप टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेज में नहीं तोड़ सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे आप उसको केमिकली करो या फिर चाहे उसको फिजिकली करो या फिर इलेक्ट्रिसिटी से करो, कोई मैटर नहीं होगा, वो दो से ज़्यादा टुकड़े कर ही नहीं सकता है अपने। जैसे यहाँ पर आयरन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेज बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स, मैंने बताया था। चाहे आप इसको फिजिकल से करो, इसको हीट करो और बॉइल करो या फिर केमिकली करो, इसमें रिएक्शन करो, ये नहीं अपना, ये दो से ज़्यादा टुकड़े अपने कर ही नहीं सकता, ठीक है। और ये भी बाय फिजिकल, ये मतलब कि इसकी डेफिनेशन होगी एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय केमिकल और फिजिकल मीन्स, ओके। अब बात करते हैं अपन इसके एग्जांपल की, सल्फर, ऑक्सीजन, लेड, गोल्ड, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, फॉस्फरस, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, आयोडीन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, ये ऐसे मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं जिनको आप और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, दो से ज़्यादा आप इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। और एलिमेंट बनता किससे है, वैसे एलिमेंट एक सबसे स्मॉलेस्ट या फिर कह लो सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। बट इसके अंदर जो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है एटम्स। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट्स, ओके। तो ये था एलिमेंट्स, और भी अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी इस चैप्टर में उन सब के बारे में। तो यहाँ पर मैं एंड करती हूँ इस चैप्टर को। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।